ये देख रहे हो ये ब्रेक पैड बाहर आ गया भाई, ये तो पूरा घिस करके ख़त्म हो चुका है। नया वाला इतना मोटा है ना, ये प्लेट के आगे देख रहे हो इतना मोटा ग्रिप है, और इसमें देखो ये पुराने वाले में बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बचा है। मेरा जो ब्रेक पैड है पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। ये जो ब्रेक पैड आपका दिख रहा है ये नया वाला, ये इस तरीके से इसके अंदर जाएगा। यहाँ पर अगर थोड़ा गैप आ जाएगा तो समझ जाना कि ये फिट हो गया, अगर ये यहाँ पर टिक गया तो समझना सही से फिट नहीं हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आज की इस ब्लॉग में बात करेंगे R15 V3 की रेयर ब्रेक पैड कैसे चेंज करते हैं। तो ये जो देख रहे हो, मैं इसको ऑनलाइन परचेस किया था ये वाला ब्रेक पैड को, तो अभी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे, ये जो ब्रेक पैड है पूरा ख़त्म हो गया है, बस इसका जो प्लेट है ना मेटल वाला बस वही शो हो रहा है। ये वो पिस्टन दिख रहा है ना, पिस्टन जितना बाहर आ गया है समझ लो ब्रेक ख़त्म हो गया है। एक्चुअली जो नया वाला ना ऐसा रहता है, देखो नया वाला इतना मोटा है ना, ये प्लेट के आगे देख रहे हो इतना मोटा ग्रिप है, और इसमें देखो ये पुराने वाले में बिल्कुल भी ग्रिप नहीं बचा है। इसका मतलब होता है कि ये ब्रेक पैड ख़त्म हो गया है। इसके लिए हम लोग को ये एक नट दिख रहा होगा एलिंकी नट, और एक दूसरा ये अंदर पे दिख रहा होगा, ये दोनों को निकालना है, और उसके बाद ये जो है प्लेट आपका नीचे उतर जाएगा। आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, आपको मैं आसानी से दिखाता हूँ। तो जो ये वाला एलिंकी दिख रहा है, इससे ये दोनों बोल्ट को खोल लेना है, ये जो अंदर पे है। एक हाथ से वीडियो बनाओ और एक हाथ से ये बोल्ट खोलो, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है, सही से लग नहीं पाता है ना, पूरा जो ये स्क्रू है और बोल्ट है सही से लग नहीं पाता है, सही से खोल नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक हाथ से वीडियो शूट करने में। यार ले देख के खोल रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे देख सकते हो ये जो स्क्रू है पूरा लूज़ हो गया है, और ये जो आपका ब्रेक पैड है ना, इसको एक माइनस स्क्रू ड्राइवर से ना दबा के इसका जो पिस्टन है ना इसको अंदर दबा देना, ताकि ना जो प्लेट है आपका डिस्क पैड वो बड़े आसानी से बाहर आ जाए। और इसको निकालने के लिए भी माइनस स्क्रू चाहिए, जिससे आपका ये पूरा ये लंबा वाला बोल्ट जो है पैड का वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसको ये बड़े आसानी से नीचे निकल जाएगा। इधर वाले को भी पहले निकालते हैं खींच करके, उसके बाद ये जो ब्रेक पैड आपका पूरा प्रॉपर नीचे आ जाएगा। तो अभी अंदर वाले को बोल्ट को भी निकालते हैं। ये देखो जैसे इसको खींचा, ये आपका ब्रेक पैड जो है बाहर आ गया। जैसे देख रहे हो ना, ये स्क्रू लंबा लंबा रहता है, ये आगे की तरफ था और ये पीछे की तरफ। ये देख रहे हो ये ब्रेक पैड बाहर आ गया भाई, ये तो पूरा घिस करके ख़त्म हो चुका है, और दूसरा वाला मेरा इस तरफ अटका हुआ है। जैसा कि ये देख सकते हो, मेरा जो ब्रेक पैड है पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है और ये पूरा बाहर आ गया है। तो अभी इसको ना माइनस स्क्रू ड्राइवर से इसको पिस्टन को ना अंदर ढकेल देते हैं, ताकि ये दिक्कत ना हो लगाने टाइम। तो ये पूरा खाली हो गया है, अभी इसको नया सेटअप को लगाते हैं। ये जो आपका नया सेटअप है ब्रेक पैड का, इसको लगाते हैं। एक हाथ से तो नहीं बन रहा है वीडियो बनाते, बट दिखाता हूँ आपको कैसे होगा, मतलब समझा दूँगा अगर वीडियो नहीं भी बना तो। ये जो ब्रेक पैड आपका दिख रहा है ये नया वाला, ये इस तरीके से इसके अंदर जाएगा। पहले देख लेना आपका जो पिस्टन था ब्रेक का वो अंदर चला गया है कि नहीं चला गया, उसके बाद यहाँ पे अच्छा गैप बन जाएगा। उसके बाद ना इसको ना सीधा ले जाके अंदर लगा देना है, ये अंदर अपने जो जगह पे ना लग जाएगा। फिर उसके बाद ना इस साइड से जो इसका स्क्रू था ना, उसको ना इसके अंदर अटकाना है। ये जो अंदर एक एंगल दिया है ना, ये जो दिख रहा होगा शेप में, इसके अंदर एक घुसेगा, दिखाता हूँ आपको डाल करके। ये यहाँ से आपका जो स्क्रू घुसेगा, और ये जो अंदर पे ना टिक गया है, तो ये देख रहे हो, जैसे देखे आसानी से ये अंदर घुस गया। अब ये इसमें ना प्रॉपर लटक गया है, ठीक है, ये वाला जो ब्रेक पैड है इधर लटक गया है। अब दूसरे साइड का भी ब्रेक पैड को लगा करके देखते हैं, ये भी इस तरीके से अंदर इसको प्रेस कर देने का, और इसको थोड़ा सा बाहर खींचते हैं ताकि वो वाला ब्रेक पैड अच्छे से अंदर चला जाए। तो इसको भी ऐसे करके अंदर खींच के इसको प्रॉपर एक साथ बराबर में बैठा देने का, और फिर ये वाला जो स्क्रू है इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, अप डाउन करके एडजस्ट करना, और जब ये पूरा अंदर घुस जाए तो समझ जाना कि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से फिट हो गया है। ये देख रहे हो अभी पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से अंदर घुस गया, इसका मतलब ये प्रॉपर फिट हो चुका है। अब पीछे का लगाते हैं, बाकी तो आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि कैसे इसको फिट करना है। ये बोल्ट को निकाल करके वापस से इसको जो नया वाला पैड को अंदर डालना है,
फिर उसके जो एंगल में इसको बोल्ट को डाल करके दोनों सेट कर देना है। अब पीछे वाला जो बोल्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, उसको फिट करते हैं इसको। लेकिन ध्यान से देखना, चेक करना अंदर लगा है कि नहीं लगा है, बाकी मेरे को तो शो नहीं हो पा रहा है। यही है, हाँ देखिए, ये जो आपको दिखा वही था, मतलब मैं अटका दिया था बट अभी निकाल दिया। इसको वापस से पीछे खींचते हैं स्क्रू को, और इसको लगा करके थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखो ये घुस गया, अभी अटक गया प्रॉपर। अब वैसे ही सामने का भी जो स्क्रू है उसको भी अपन लगाएंगे वैसे ही। तो ये रहा सामने का स्क्रू, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी ये नहीं लगा है ना प्रॉपर, तो इसको थोड़ा सा हिला करके एडजस्ट करना है ताकि ये अच्छे से घुस जाए। इसके लिए ना आपको स्क्रू ड्राइवर लगेगा ही लगेगा, ताकि यहाँ से ना इसको इसको थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा आपको अंदर। जैसे ये कर दिए प्रेस, अब शायद लग जाना चाहिए बट अभी नहीं लग रहा है। रुको, आपको मैं फिट करके दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे हो, ये प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है। यहाँ पे ना थोड़ा सा गैप आना है, यहाँ पे अगर थोड़ा गैप आ जाएगा तो समझ जाना कि ये फिट हो गया। अगर ये यहाँ पर टिक गया तो समझना सही से फिट नहीं हुआ है, और दोनों तरफ बोल्ट अच्छे से घुस गया है अंदर। यहाँ भी अच्छे से लग गया है, या अंदर से दिख पा रहा होगा सिल्वर सिल्वर जो दिख रहा है, वो जो दिख रहा है वो उसका रॉड है। वही जो है ना पूरा आपका ब्रेक पैड में लगता है अच्छे से। तो ये जब लग गया तो समझ लो पूरा फिट हो गया है। बाकी ये फिटिंग हो गया है, इसको अभी फटाफट से टाइट करते हैं और फिर ब्रेक टेस्ट करते हैं एक बार।